हाँ तो भैया, हम फिर वापस आ गए आपके लिए एकदम चौकस रिव्यू लेके। नाम टाइटल में पढ़ ही लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कुछ सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर लिख दीजिएगा, और वीडियो पूरी देखेंगे, इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है। भैया, गाली खाने का मन मेरा भी नहीं है इसलिए। वैसे आप देख रहे हैं द भैया जी शो सलमान के साथ। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हो चुकी है। आप रिव्यू ढूंढ रहे हैं तो हम रिव्यू लेके आ गए आपके लिए। साल 2010 में शुरू हुआ हाउसफुल का सिलसिला अपने चौथे पार्ट में पहुंच गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल, राणा दग्गुबाती, कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी स्पेशल अपेयरेंस में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट फरहत सामजी ने किया है। हर बार हाउसफुल फ्रेंचाइजी में अलग स्टोरी दिखाई जाती है। पार्ट्स के कनेक्शंस का कोई मसला नहीं है। जब भी कोई भी देखिए, किसी भी सीक्वेंस में देखिए, मज़ा पूरा आएगा। इस बार मूवी को पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। चंकी पांडे इस फिल्म में वापसी कर रहे हैं। मूवी में मस्ती मजाक और कन्फ्यूजन भरपूर है। अक्षय लंदन में रहने वाले एक आम इंसान है जो 600 साल पहले राजकुमार थे। उससे अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी याद आ जाती है, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ इस पूर्व जन्म की गुत्थी को सुलझाने निकल जाता है और अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है। हाउसफुल फोर मज़ेदार है। इस मूवी में एक से बढ़कर एक जोक है। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी मज़ेदार है, ऑडियंस को खूब गुदगुदाने वाली। इसके अलावा फिल्म में कृति खरबंदा, कृति सेन और पूजा हेगड़े सिर्फ ग्लैमर का तड़का ही नहीं बल्कि एक्शन करती भी नजर आ रही हैं। फिल्म में राणा दग्गुबाती एक खूंखार पहलवान के रोल में बढ़िया लग रहे हैं, तो वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बाबा के रोल में नजर आएंगे। आप नवाज को इस फिल्म में बढ़िया कॉमेडी करते देखेंगे। साथ ही चंकी पांडे, जॉनी लीवर और रंजीत भी कमाल लग रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। अक्षय कुमार की बात करें तो वह हाउसफुल 4 के अलावा फिल्म सूर्यवंशी, गुड न्यूज़, बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब और पृथ्वीराज में काम कर रहे हैं। तो भैया, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।